तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने ही चैनल टॉप ओपन फैक्ट्स में। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में फिल्म भारत के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म को आज टोटल 11 दिन हो गए हैं बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए, यानी कि आपको बता दें कि ईद के मौके पर रिलीज हुई थी ये फिल्म, यानी कि 5 जून को। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म भारत के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो वीडियो को देखिएगा पूरा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें फिल्म भारत की, तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये फिल्म अली अब्बास जफर द्वारा डायरेक्ट की गई है। वहीं प्रोड्यूसर्स की बात करें तो रियल लाइफ प्रोडक्शन, सलमान खान फिल्म्स और टी सीरीज की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है। दोस्तों, अगर बात करें इस फिल्म की, तो आपको बता दें कि सलमान खान के फैंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इस फिल्म को देखने के लिए, और सलमान खान के जो लुक्स थे इस फिल्म में, उन लुक्स ने फैंस को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित किया है और सभी लोग जहां तक हैं फिल्म को पसंद कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगर बात करें इस फिल्म के एक्टर्स की, तो सलमान खान के अलावा कैटरीना कैफ, दिशा पटानी, सुनील ग्रोवर मुख्य किरदार में हैं। वहीं दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं फिल्म के स्क्रीन्स की। तो आपको बता दें कि फिल्म को इंडिया में टोटल 4700 स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया गया है। वहीं अगर ओवरसीज स्क्रीन्स की बात करें तो 1300 स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया गया है। वहीं अगर टोटल यानी कि ऑल ओवर स्क्रीन्स की बात करें तो इस फिल्म को 6000 स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया गया है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि स्क्रीन्स जो होती हैं वो फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बहुत मायने रखती हैं। जी हाँ दोस्तों, जितनी ज़्यादा स्क्रीन्स होती हैं उतना ही फिल्म को फ़ायदा होता है। तो आपको बता दें कि यह फिल्म भारत जो है वो एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड ब्रेक किए जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें फिल्म के एडवांस बुकिंग के बारे में, तो फिल्म ने एडवांस बुकिंग के मामले में 27 करोड़ का कलेक्शन पहले ही कर लिया था। दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं अब इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो डे वन यानी कि पहले दिन इस फिल्म ने रिलीज़ के दिन 42 करोड़ 30 लाख से ओपनिंग लिया था, और ये सलमान खान का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड था। जी हाँ दोस्तों, अभी तक बहुत कम फिल्मों ने इतना ओपनिंग डे दिया है। वहीं अगर बात करें फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन की, तो फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन था 31 करोड़ रुपये। वहीं दोस्तों, अगर तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें, तो फिल्म का तीसरे दिन का कलेक्शन 22 करोड़ 20 लाख रुपए। वहीं दोस्तों, ऐसा करते करते अच्छा खासा होल्ड बनाते बनाते फिल्म ने वीक वन यानी कि पहले हफ्ते तक 180 करोड़ 10 लाख तक का कलेक्शन कर लिया था। वहीं दोस्तों, अगर बात करें फिल्म के कल के कलेक्शन की यानी कि डे 10 की, तो फिल्म ने कल लगभग 4 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं दोस्तों, अगर बात करें फिल्म के आज के कलेक्शन की यानी कि डे 11 की, तो आज की मॉर्निंग शोज़ की ऑक्युपेंसी आ रही है 10 से 13%, आफ्टरनून शोज़ की 20 से 25%, इवनिंग शोज़ की 35 से 40% और नाइट शोज़ की 45 से 50%। दोस्तों, इस हिसाब से फिल्म आज लगभग यानी कि डे 11 को 6 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेगी। दोस्तों, फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका है अब तक 190 करोड़ 10 लाख रुपये। दोस्तों, अगर बात करें फिल्म के 11 दिन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म ने 11 दिन में 285 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। दोस्तों, ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन है 60 करोड़ रुपए। अगर 11 दिन की इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का कलेक्शन है 225 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, ये थी पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट फिल्म भारत की। वहीं दोस्तों, अगर आपने भी ये फिल्म देख ली है, फिल्म भारत जो है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। वहीं और भी बॉलीवुड खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें टॉप ओपन फैक्ट्स, ताकि बॉलीवुड की हर खबर मिले आपको सबसे पहले।